आइए जानते हैं विश्व शक्ति, मेडिटेशन या ध्यान और पिरामिड के बारे में। आइए खोलते हैं ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जिनसे आप ऐसे रहस्य जो आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए, देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए, बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति, मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है, इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए
हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां, अंदर की या बाहर की, मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है, मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन
और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए, जानबूझकर सांस लीजिए न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए, ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए, विचार सवाल उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए, सांस पर पुनः ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी, धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में
जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम।
विश्व शक्ति इसके नीचे से एक तिहाई की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। ये जगह शाही कक्ष कहलाता है। शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है, इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। आइए, अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी। ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफर में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल के उम्र के व्यक्ति को एक समय में कम से कम 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए।
बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं।